हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं बाजू का फ्लैट पोछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर का काम हुआ था। मैं बाद में पोछ के दिखाऊंगी, पूरा सेटिंग मतलब सेटअप किया था क्योंकि रेंट पे देना है। तो यहाँ पे मैं पोछ लूँगी। मेड का था लेकिन मेड को अलाउड नहीं किया है क्योंकि वापस से लॉकडाउन हो गया है तो इसके लिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारा रूम पोछ लूँगी क्योंकि कलर करने के बाद से ना, वो लोग ने झाड़ू वगैरह मारा था लेकिन पूरा लादी पे ना वाइट वाइट हो गया था। तो इसके लिए सब साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो शूटिंग हो रही है वो मेरी बिटिया रानी कर रही है। और साथ में ये कर्टन वगैरह भी मैंने धो दिया था। यहाँ पे इसी रूम में मशीन है तो धो दिया था मैंने। और ये सीढ़ी देख रहे हो आप, मैंने अभी जस्ट पर्दा लगाया है, यहाँ का भी पर्दा लगाया है। और मेरे जो बाजू में जिसमें रहती हूँ उसमें का भी पर्दा मैंने धोया था हॉल का, तो वो भी मैंने लगाया है। बहुत काम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना कि क्या करें। और ऊपर से जब कमेंट आता है ना ऐसा कि क्या करते हो दिन भर बस वीडियो। अरे बाबा, तुम ये तो देखो कि जो वीडियो बन रही है वो काम के साथ बन रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि बिना काम का मैं बैठी हूँ और बचर बचर कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, हॉल का पर्दा मैं अकेले ही लगा रही हूँ। एक साइड से फिक्स था, वो एक साइड से ही लगाना था तो ईजिली लग गया था। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है और सेटअप अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, बाहर से मैं दिखा रही हूँ आपको। फ्लैट तो आपने देखा ही था ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने सेटअप किया है ना, तो वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रूटी बैठी है झाड़ू लेके। और यहाँ पे देखिए, ये सब मैंने सेटअप कर दिया है। बस अभी जो आएंगे उनको रहना है अपना सामान लगा के। अगर मेड रहती तो मेड साफ़ कर देती, बट वो तो थी नहीं ना। तो यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल वगैरह सब मैंने क्लीन कर दिया है। और एक कलर चेंज हुआ है यहाँ पे, पहले येलो ही था पूरे रूम में। और किचन भी पूरा साफ़ कर दिया, आप देख सकते हो। गंदा नहीं था लेकिन तो भी पोछना पड़ता है ना। और जिनको दे रहे हम कलर करके दे रहे। और ये सब प्रेस कंट्रोल वगैरह भी हो चुका है। और ये कर्टन भी मैंने धोया था तो इसको भी लगा दिया। और ये वाला जो बीच वाला रूम है वो भी देख लीजिए, पूरा मैंने क्लीन कर दिया। मतलब अभी जो आएगा सिर्फ चद्दर विद्दर चेंज करके उनको जो चद्दर डालना है वो अपना डालेंगे और रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। बर्तन लगा देंगे अपना, रहेंगे। हमने चूल्हा भी दिया था बट बहुत लोग को चूल्हा नहीं चाहिए रहता है ना, इसके लिए चूल्हा निकाल के मैंने घर पर बॉक्स में पैक करके रख दिया है। तो यहाँ पर सब मैंने साफ़ कर दिया, पर्दा वर्दा लगा दिया, हो गया। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ बाद में, जब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो बाद में ही मिलूँगी। और सुबह से काम करते करते अभी मुझे टाइम मिला है, अभी बज रहा है 10:30 और मैं यहाँ पे बच्चों के लिए लॉलीपॉप फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा थकान हो गई है क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं, मैं थोड़ा सो गई आराम करने, क्योंकि आराम भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद से और भी काम था लेकिन फिर मैंने मोबाइल नहीं उठाया। तो चलिए बैक कैमरा करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 10:30 बज रहे हैं और मैं 10:30 बजे क्या कर रही हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है, इसमें एक बैच मैंने फ्राई किया था दोपहर में, फूड मूड पे गया है लॉलीपॉप ईटिंग का। तो आप देखा भी होगा आपने, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना। मैंने कल बर्गर ईट किया है, फिर पफ और फिर चटपटा नान वो सब ईट किया है, फिर लॉलीपॉप वो सब, मतलब ये सब मैंने मंगाया था और खाया था। और अभी मैं बच्चों को फ्राई करके दे रही हूँ। तो बहुत काम हो जाता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है घर में, सिर्फ झाड़ू पोछा ही, बर्तन धोना ही नहीं होता, और भी ऊपर के बहुत सारे काम होते हैं। एक तो पहले जो नहीं खाते ये लोग, उनको कुछ ना कुछ अलग अलग बना के देना पड़ता है। अगर एक डिनर प्रिपेयर कर दो दाल चावल रोटी भाजी तो फिर मुँह टेढ़ा होने लगता है। तो क्या कर सकते, सबके घर का वही हाल है। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फ्राई कर देती हूँ। और इसका रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ आप लोग। और यहाँ पे मैं फ्राई कर रही हूँ लॉलीपॉप। ये बैटर मैंने सुबह लगा के रखा था, आप ही ऐसे लगा के रख सकते हो। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो लिंक मैं दे दूँगी, तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और जो आवाज़ आ रहा है ना वो एग्जॉस्ट फैन का आ रहा है क्योंकि ये भी फ्राई कर रही हूँ ना, तो इसके लिए वो पूरा गरम गरम हो रहा है, तो इसके लिए भी मैंने। तो चलिए मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। मैंने भी अभी खाना नहीं खाया, मैंने जीरा राइस बनाया है, आपको दिखाती हूँ एक मिनट। थोड़ा सा ही जीरा राइस बनाया है, जीरा राइस है। यहाँ पे दाल है और एक कड़ी बना, और यहाँ पे ग्रीन मसाले में एक कड़ी बनाया है, मतलब अंडे को काट के डाला है मैंने इसके अंदर। तो चलिए फाइनली मैं बच्चों को खाने के लिए दे देती हूँ। और अभी मैंने टी शर्ट पहना है और नीचे शॉर्ट पैंट पहना है, तो फुल वीडियो तो नहीं बना सकते क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता, गर्मी बहुत हो रही है आजकल। और यहाँ पे ना इडली के लिए आटा भिगा के रखे हैं, उनके दिखाती हूँ। इडली के लिए आटा भिगा के रखे, और वो जो ये कागजी नींबू बोलते हैं ना, बड़ा वाला नींबू, वो नींबू है। और यहाँ पे थोड़ा कुछ सब्जियाँ आए हैं तो मैंने यहाँ पे रखा है इसको, यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड वगैरह। और वहाँ पे इस्त्री के कपड़े पड़े हैं, दोनों को देखो। रोटी और बॉटल उठा दें, चलिए थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। जो
खाना पीना खा लूँगी और मिलती हूँ आपको सुबह, ठीक है? सुबह मिलूँगी अब डायरेक्ट, क्योंकि अभी कोई फिर अभी मैं थक चुकी हूँ एकदम से, बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मिलती हूँ मॉर्निंग में, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो यहाँ पे ना कुछ कैरियाँ लाई थी मैंने रात को, आपको बताया था कि 6 से 8 कैरियाँ आई हैं, तो मेरे पास ना थोड़ा सा मसाला पड़ा है, तो मैं सोची थी कि चलो इसको लगा देती हूँ। जैसे पहले वाला एक बार मैंने लगाया था ना, तो वो अचार तो खाने जैसा हो गया, और वो अचार हम लोग खा भी रहे हैं, और वो मिर्ची का अचार भी खा रहे हैं। और यहाँ पे किचन आप देख सकते हो, सुबह मैंने शीरा बनाया था और इडली का आटा पीस के रख दिया है मैंने, जो रात को भिगाई थी वो टोप में मैंने पीस के रख दिया है। तो मैंने सोचा चलो ये पहले आम का काम कर देते हैं, नहीं तो फिर ये रखे ना पक जाएगा, फिर वो किसी काम भी नहीं आएगा। और इतना कैरी तो थोड़ी मैं दाल में या फिर चटनी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ लंबे लंबे कट कर रही हूँ, जो छोटे छोटे हैं उसको लंबे लंबे, और जो कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं उसको मैं कतरे में काट दूँगी। तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है, मैं जैसा है मसाला पड़ा है इसके लिए और कुछ नहीं। तो अभी इसको कट करके जो मसाला है वो डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक, हल्दी, सरसों का तेल और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालूंगी, क्योंकि आम का अचार बहुत खट्टा होता है, तो थोड़ा सा तीखा भी तो चाहिए ना इसके साथ। तो देखिए मैंने तेल मिक्स कर दिया है और मसाला इतना इनफ है, क्योंकि ये सूखेगा ना तो मसाले फिर ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी मैं इसको इसी में रख दूँगी और आपको चलो दिखाती हूँ और मैंने क्या बनाया। गाइस गुड मॉर्निंग, फाइनली मेरा सुबह का सब काम हो गया, झाड़ू पोछा और कपड़े धोके हो गए, कपड़े डाल भी दिए। और सुबह अभी लॉकडाउन हो गया है तो ये वीडियो आज ही जाएगा, सैटरडे है आज, तो अभी ये वीडियो आज ही जाएगा। और सुबह आपने देखा वो कैरी लाया था, तो मेरे पास थोड़ा सा मसाला बचा था वो अचार का, मिर्ची का अचार का, तो उसमें मिक्स करके मैंने लगा दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ आपको। और साथ में अभी मैंने सुबह शीरा बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह सुबह ना बहुत काम रहता है, क्या मोबाइल उठाऊँ मैं, आपको बैक कैमरा करते हुए दिखाती हूँ। मैंने शीरा बनाया था सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में, और साथ में चाय बनाया था, ब्रेड टोस्ट किया था, और यहाँ पे अभी जस्ट अभी पाव भाजी बनाई। देखिए ये पाव भाजी, इसमें मैंने कलर नहीं डाला है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है तो लिंक मैं दे दूँगी। तो चलिए अभी मैं भी ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो का एंड करना है। तो अभी मैं पहले आपको गैलरी में दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने अचार को डाल दिया है, ये थोड़ा सा सूखेगा ना तो इसको मैं बरनी में भर दूँगी। और झाड़ देखिए मैं नई थी ना, तो क्या हालत हो गई है, इतने बड़े बड़े हो गए, मुझे शिफ्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पे देखिए रोज़ आया है, लग गया काटा। और ये वाला प्लांट पानी डाला था इन्होंने, लेकिन तो भी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद से आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करके आज ही पब्लिश करनी है, मिलती हूँ बाद में। पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बच्चों के रूम में लेके आ गई, बच्चे हॉल में खा रहे हैं, साहब अपने रूम में खा के अभी सोएंगे और मैं अभी खाऊंगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर में करती हूँ ब्रेकफास्ट। और मैं ब्रेड लिया है, क्योंकि कल लॉकडाउन के वजह कल 8 बजे बंद हो गया था बेकरी, तो पाव नहीं मिला, तो ब्रेड से ही खा रहे हैं। फटाफट मैं कॉल कर लेती हूँ, घर पे भी बात करना है, पापा की तबीयत पूछनी है, फिर बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर में। और फाइनली ब्रेकफास्ट हो गया, घर पर कॉल करके हो गया, और अभी देखेंगे क्या लंच बनाना है। अभी तो पाव भाजी पड़ा है, थोड़ा सा शीरा पड़ा है, मैंने आपको दिखाया था, देखती हूँ दाल चावल बोलेंगे तो दाल चावल लगाऊंगी। और लॉलीपॉप का थोड़ा सा मैंने रखा है, 6-7 पीस है, तो उसको फ्राई कर दूँगी। अभी सुबह से बहुत थकान हो गई, कल से ना इतना काम हो गया है ना कि इतनी थकान हो गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इनके कमेंट पढ़ के ना और ज़्यादा गुस्सा आता है। तो मैं सोच रही हूँ रिएक्ट नहीं करूँ, लेकिन कब तक आदमी चुप रहेगा ना, बोल बोल के कितना बोलेगा। मैंने 1 मिलियन का मैंने पोस्ट किया था, उस पर कुछ लोगों ने अभी भी वो कमेंट है, मैंने उनको आंसर किया है कि खाली व्यूज़ तो है और क्या, तुमने तीर मारा है क्या, 1 मिलियन हो गए क्या तुम्हारे सब्सक्राइबर, ऐसा वैसा। तो देखिए व्यूज़ आप एक वीडियो पोस्ट करके देखिए, आप लोग देखो कितने लोग देखते हैं आपकी वीडियो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ना कि व्यूज़ कितने मायने रखते हैं। और यहाँ पे देखो मैडम नाश्ता विश्ता करके सो गई, सुबह जल्दी उठी थी, नीचे डॉगीज को ब्रेड दिया, क्योंकि लॉकडाउन हो जाता ना बेचारे लोग को कुछ मिलता भी नहीं है खाने के लिए, सिर्फ सोसाइटी वाले डालते हैं ना, तो लेकिन क्या भरोसा ना किसने डाला है नहीं डाला है, अपने को क्या पता कि कौन का दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। क्योंकि जब भी मैं खाना भेजती हूँ तो बहुत चाव से खाते हैं और बहुत मतलब ऐसे दिल से खाते हैं, तो अभी पता नहीं, आज तो दूध नहीं भेजा था मैंने स्पेशली, एक ब्रेड का पैकेट मंगाया था उनके लिए कि पेट भर के वो लोग खा लेंगे, तो फिर वही वो खिला के आई, उसने नाश्ता किया, अभी सो गई, शावर भी नहीं लिया, ऐसे ही सो गई। आज दोनों ने शावर नहीं लिया, सिर्फ हम दोनों का ही शावर हुआ है, और नाश्ता वगैरह हो गया, मेरे को भी अभी आ रही है थोड़ी सी नींद। तो अभी बज रहे 12, तो वीडियो का एडिटिंग करके अनलिस्टेड मतलब ये पोस्ट पे लगा देती हूँ, फिर अपने टाइम पे पब्लिश कर दूँगी।
तो वही अभी सोचिए थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अभी कपड़े भी घड़ी करने हैं, इस्त्री के कपड़े बांधने हैं, ये सब काम है। काम बहुत होता है यार, कबाट लगाना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कबाट कैसे लगाऊँ। अकेले हो ना, कोई साथ में रहता है ना तो फटाफट लग जाता है। कल से तो आरती भी आना चालू की, मैंने तो उसको निकाल दिया था, कसम से बोलती हूँ। मुझे इतना इरिटेट होता है ना, ये लोग छुट्टी कर दे और हिसाब के टाइम पे, पगार के टाइम पे ये लोग बाकायदा अपने हिसाब काउंट करने लगते। 6 दिन वो लड़की आई है और मुझे बोल रही है 15 दिन आई, 15 दिन आई हूँ, और मैंने आपको तभी बताया था कि पगार लिया और फिर दूसरे दिन से उसने आना छोड़ दिया था, लेकिन बीच बीच में 1-2 दिन आई तो भी मैंने 6 दिन का पकड़ा था। तो चलिए, मुझे उसका कोई गम नहीं है, मैं तो कभी पैसे काटती भी नहीं हूँ। तो उनके पापा ने कॉल किया था कि आपने भाई नहीं रखा है तो मैं भेज देता हूँ। अभी जब लॉकडाउन हुआ, तुम्हारा काम छूटा तो तुमको मेरा काम ज़रूरत है, ऐसे ही होते हैं हम। जिसके साथ अच्छे रहते हैं ना, वो लोग को हजम नहीं होता, फिर वो दूसरे जगह गाली बिली खा के फिर अपने पास आते हैं। तो मैंने उसको क्लियर कर दिया है कि अभी कल से आ रही है। तो उसने बोला 15 दिन, तो मैंने बोला चलो 15 दिन तो 15 दिन, 15 दिन का तेरा पगार दे दूँगी और साथ में 15 दिन तू ये कंप्लीट कर दे, 1 महीने का करके जा। बोलती है नहीं दीदी मेरे को रहना है। मैं बोली देख, तू छुट्टी करेगी फिर मुझे वो बिल्कुल जमेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो के साथ साथ मेरा घर का भी काम रहता है, 2-2, 3-3 चैनल चलाना, फिर आप देख रहे हो फूड मूड पे भी टाइम पे नहीं जा पा रहा है, कभी सीमा ब्यूटी टिप्स पे जाता है तो कभी फूड मूड पे नहीं जाता है, ऐसा हो गया है। तो थोड़ा सा हेल्प होता है तो हो जाता है ना। तो अभी आज उसने काम वीम करके गई है, कल से आ रही है, झाड़ू पोछा किया उसने और बाथरूम वॉश किया, मैंने 2 ही के लिए रखा, और सबके लिए रख दूँगी ना तो फिर मेरे को रोना पड़ जाएगा, क्योंकि उनका इंतज़ार करते करते शाम हो जाएगी। और झूठ तो ये लोग इतना बोलते कि आप थे नहीं बीच में, और जबकि मैं तो अभी 1 वीक के लिए गई थी होली के बाद, बोलते होली के पहले मैं आई थी, आप नहीं थे, आप ब्लॉक तो गया है, आप लोग ने देखा है ना। तो ना ये लोग झूठ बोलते हैं ना कि इनके झूठ से आदमी परेशान हो जाएगा। मेड़ बहुत सी मेड़ ऐसी रहती है ना कि अपना समझ के काम करते, और बहुत से ऐसे रहते हैं ना कि बस उनको पैसे से मतलब रहता है, काम से मतलब नहीं रहता। तो आज तो मैंने चिल्लाया अभी उसको, फटाफट एक बारदान में लादी पूछ रही है। मैंने उसको बोला तू प्रेग्नेंट है तो छोड़ दे ना, काई के लिए मगज मारी। तो मैंने भी डिसाइड किया कि ये 1 महीना कर लेगी, 15 दिन और कर लेगी। तो मैंने उनको बोल दिया तुम्हारी मम्मी आएगी तो मैं रखूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी। तो आंटी आएगी तो आंटी को रखूँगी, क्योंकि उनका आँख का ऑपरेशन हुआ था और उनको मुझे बोलना नहीं पड़ता था, एक बार समझा दिया ना काम तो उनको बराबर समझता था। इनको घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, बेसिन के नीचे पोछो तो गैलरी पोछो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो फटाफट लादी पोछ के निकल जाएंगे। एक दिन मैं स्कूल में गई थी और उसमें हॉल नहीं पोछा, और बोलती हॉल पोछा करके, और मैं आके देख रही हूँ तो सब ऐसे ही पड़ा है। अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अपना मजबूरी भी बहुत उठाते हैं, फ़ायदा बहुत उठाते हैं ये लोग। तो ये सब है, अभी क्या बताऊँ आपको। किसके किसके घर में ऐसे मेड का प्रॉब्लम चालू है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बहुत लोग ने राधा के बारे में पूछा था, तो राधा गांव गई थी, उसका भी बहुत नाटक चालू हो गया था, 15-15, 20-20 दिन गांव चली जाती थी और वो मुझे जमता नहीं था। मैं 9 बजे का टाइम रखी थी, क्योंकि 9 बजे अगर काम चालू करेंगे ना तो 1-1.5 तो बचता ही है, मैंने उसको पूरा ही काम दिया था। और जब साफ का रूम साफ नहीं रहता, फिर उस बीच में उनको आराम करना रहता तो उस बीच में वो काम करती है तो कैसे जमेगा ना। फिर मैंने बहुत समझाया, नहीं समझा तो फिर खुद ही मैंने निकाल दिया। और जब मैं 2-3 दिन के लिए पापा के इधर गई थी तो मैं आई, तो फिर उसने तीसरे दिन छुट्टी किया। जब मैं 2-3 दिन पापा के इधर गई थी तो तू तो काम पे आई नहीं थी ना, फिर छुट्टी क्यों किया? तो फिर क्या बोलते, वो आपकी छुट्टी थी, हमारी छुट्टी, मतलब तुम्हारी छुट्टी तो 15 दिन से ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब नाटक है तो कितना बर्दाश्त करेंगे, मेरे से तो नहीं होता बाबा। मैं भले वो मेरा काम कर लूँगी लेकिन ये फालतूगिरी मुझे नहीं जमता, क्योंकि पूरा पैसा देती हूँ मैं, 1 दिन का भी नहीं कट करती। मैं कभी नहीं जोड़ती कि तूने 4 दिन छुट्टी किया, 5 दिन छुट्टी किया, कभी नहीं। आखिर हमारा भी तो, हम भी तो मेहनत करते ना, हमारा भी तो पैसा है, उनका ही पैसा पैसा थोड़ी होता है, हमारा भी तो पैसा है। तो यही तो नहीं समझते ना, हम लोग गरीब करके और सर पे बिठा लेते, बाद में फिर अपने को भारी पड़ता है। तो यही सारा प्रॉब्लम है मेरे साथ। और जबकि मैं ना कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती हूँ, जितना काम किया मैंने काम समझा दिया, बस तुम्हारा काम करो और जाओ। लेकिन जो मेरे पास रहता है तो डेली मैं कुछ ना कुछ देती थी। अभी आती आती थी तो प्रेग्नेंट थी तो उसको डेली मैं 1 नारियल देती थी, मैं उसके पैसे भी नहीं लेती थी, 1 नारियल देती थी। आज की तारीख में 1 नारियल का 50 रुपीज़ है, जो मैं डेली उसको 1 नारियल देती थी, और 2-3 महीना काम किया, डेली मैंने उसको 1 नारियल दिया है, उसको बच्चे को मतलब देख के कि प्रेग्नेंट है चलो जाने दो। तो हम लोग कितना सोचेंगे ना दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में सोच सोच के आज अपना ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के चले जाते हैं वो लोग। तो जाने दीजिए, क्या करें। अरे देखो मैडम, इनको तो भैया कुछ काम धंधा ही नहीं है लॉकडाउन में।
तो चलिए अभी करती हूँ वीडियो का एंड, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेड का प्रॉब्लम किसके किसके घर पे ऐसा होता है और मैं जो करती हूँ वो सही है कि गलत है। जब इंसान 6 दिन आया है और 15 दिन का हिसाब मांग रहा है, चलो मैं वो तो मैंने दे दिया, बाकी नहीं रखा 15 दिन का और दे दूँगी, मैंने उसको बोला है। उसको काम छोड़ना नहीं बोलती दीदी आपका, क्योंकि ऊपर जो मेरे काम करती थी वो छूट चुका है, इसके लिए वो मेरा काम नहीं छोड़ना चाहती है। और लेकिन मैं रखूँगी नहीं, मुझे नहीं जमने वाला। एक बार जैसे मन हट जाता है ना, और हाथ देखो कितना लाल लाल दिख रहा है मेरा, दिन भर पानी में काम कर करके अभी नेल पॉलिश लगाऊंगी रेड कलर उसके बाद से। तो चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, साथ में इंस्टाग्राम एबी पेज मैक्स चकाटक पे फॉलो करें, और साथ में फ्रूटी को फॉलो करें, ठीक है। हाँ फ्रूटी तेरे को भी फॉलो करें, उसके मौज पे फॉलो करो ऐसा बोल रही है। तो वो जा रही हूँ अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, फिर दूसरे ब्लॉग का स्टार्ट शाम से करूँगी, इवनिंग से फिर वो कल पोस्ट करूँगी। पहले मैं दोनों टाइम का करती थी, लेकिन अभी बाहर साहब टेंशन नहीं है, अभी जाना है उनको, तो देखेंगे कल जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो देखेंगे क्या है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्लॉग कैसा लगा है, छोटा सा ब्लॉग, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना, और डिसलाइक करना होगा तो डिसलाइक करना, कुछ गालियाँ देनी होगी तो गालियाँ दे देना। तो चलो मिलती हूँ बाद में, लव यू ऑल।